हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडेस आवर सब्जेक्ट इज ईवीएस। सो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट वीडियोज़ वी हैड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रूट्स नेम एंड टुडे वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स नेम। सो लेट्स स्टार्ट। एंड टुडेस आवर टॉपिक इज चूज द करेक्ट नेम ऑफ वेजिटेबल्स एंड सर्कल लीफ। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स के पिक्चर दिख रहे हैं और उसके नीचे दो दो नेम लिखे हुए हैं, एक राइट नेम है और एक रॉन्ग नेम है। तो हमें पहले वो जो वेजिटेबल दिया हुआ है वो उसको उसको पहचानना है, और फिर जो वो वेजिटेबल है उसके नीचे जो उसका करेक्ट स्पेलिंग होगा उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो कैसे करना है वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट तो है सी ए डबल आर ओ टी, कैरट, ओ एन आई ओ एन, ऑनियन। तो ये क्या है, कैरट है या ऑनियन है? ये है कैरट। तो हम किसके ऊपर करेंगे सर्कल। फिर दूसरा है टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो। फिर है पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो। ये क्या है, टोमेटो है या पोटैटो है? ये कौन सा वेजिटेबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है? तो ये है पोटैटो। तो हम पोटैटो के ऊपर करेंगे सर्कल। फिर देखेंगे ये नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है, बी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल, ओ एन आई ओ एन, ऑनियन, ब्रिंजल एंड ऑनियन। तो ये पिक्चर कौन सा है, ये कौन सा वेजिटेबल है, ये ब्रिंजल है या ऑनियन है? तो ये है ब्रिंजल। तो हम ब्रिंजल के ऊपर करेंगे सर्कल। फिर है ओ एन आई ओ एन, ऑनियन, सी ए डबल आर ओ टी, कैरट। तो ये क्या है, ऑनियन है या कैरट है? तो ये है ऑनियन। तो ऑनियन के ऊपर हम करेंगे सर्कल। फिर है पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो, टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो, पोटैटो एंड टोमेटो। तो ये कौन सा पिक्चर है, पोटैटो है या टोमेटो है? तो ये है टोमेटो। तो टोमेटो के ऊपर हम करेंगे सर्कल। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह कोई भी वेजिटेबल्स का पिक्चर दिया हो और उसके नीचे नाम लिखे हुए हो तो हमें वो उसके करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढ कर उस वेजिटेबल को आइडेंटिफाई करके उसके करेक्ट नेम के ऊपर सर्कल करना है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट द नेम ऑफ सम वेजिटेबल्स। यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल्स के स्पेलिंग लर्न करेंगे। पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो, ओ एन आई ओ एन, ऑनियन, टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो, बी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल, सी ए डबल आर ओ टी, कैरट, पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, ब्रिंजल एंड कैरेट। तो स्टूडेंट्स, ये फाइव वेजिटेबल्स नेम आपको अच्छे से आपकी ईवीएस की नोटबुक में राइट डाउन करना है और उसको लर्न भी करना है। और ये जो हमने किया है एक्टिविटी वो भी आपको आपकी ईवीएस की नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।